दोस्तों, बीएसएनएल कंपनी जब से दो राज्यों में अपना बीएसएनएल 4G लॉन्च कर दिया है, तब से उसे ये लगने लगा है कि अब हमें अपने डेटा प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहिए और लोगों तक तो पहुंचने के लिए ये यही अच्छा उपाय है। तो शायद बीएसएनएल के कर्मचारियों को ये नहीं पता है कि ये 5G का जमाना है, लोग 5G यूज कर रहे हैं और एक से एक बेटर उनको लाभ मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर से। तो दोस्तों, ऐसे में बीएसएनएल 4G क्यों ही कोई यूज करेगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से इस समय 5G रोल आउट हो चुका है इंडिया में और बहुत सारे राज्यों में जो कि 5G पहुंच चुका है। जितने मेट्रो सिटी है दोस्तों, वहां पे जियो और एयरटेल का वहां तक 5G पहुंच चुका है और लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, स्पीड भी लोगों को काफी अच्छे खासी बेटर मिल रही है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो प्राइवेट सेक्टर की स्पीड जो है 4G की वो काफी कम हो गई है, लेकिन 5G की काफी अच्छी खासी हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे जियो की अगर बात करें तो जियो का 800 से लेकर के 900 Mbps तक इसकी स्पीड मिल जाती है। वहीं पे एयरटेल की अगर बात करें दोस्तों तो इसका भी दोस्तों 500 से लेकर के 600 Mbps तक इसकी स्पीड मिल जाती है। लेकिन इस समय दोस्तों बीएसएनएल बहुत ही तेजी से अपना काम कर रहा है और बीएसएनएल ये सोच रहा है कि हम भी अपना जो है कि टेलीकॉम सेक्टर में सिक्का जमाएं, पैर जमाएं, ताकि हमारे पे भी लोग आ सके, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से पता है कि भारत जो है टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही आगे है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट यूज करने वाले यूजर्स जो है बहुत ही ज्यादा इस समय है। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के हाथ में आप देखेंगे तो इस समय स्मार्टफोन मिलेंगे, चाहे वो जिस उम्र के लोग भी हों, और स्मार्टफोन पे ही सारे कुछ आजकल न्यूज भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं लोग, वेब सीरीज वगैरह भी देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ दोस्तों आजकल इंटरनेट से ही हो रहा है मोबाइल पे। तो इस वजह से दोस्तों अगर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया में। दोस्तों, अगर बात करके बीएसएनएल के पास टोटल ग्राहक इस समय कितने हैं तो 10 करोड़ से भी कम ग्राहक इस समय है बीएसएनएल के पास। तो वैसे भी दोस्तों बीएसएनएल अब क्या कर रहा है कि अपना जो है रिचार्ज प्लान काफी सस्ता कर रहा है, वैलिडिटी लोगों को ज्यादा दे रहा है, प्लस जो दोस्तों है वो डेटा भी अधिक दे रहा है। लेकिन बीएसएनएल को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि उसको जियो की तरह कुछ अपना काम करना चाहिए, तब जाकर के लोग जियो पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि बीएसएनएल का जो नाम लोगों ने रख दिया है भाई साहब नहीं लगेगा, तो ये नाम उसका जो करंट में चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ये नाम बदलने वाला है, भाई साहब अब लगेगा ये होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल बहुत ही ज्यादा पैसा इसमें खर्च कर रही है। इस समय जो मोदी गवर्नमेंट है दोस्तों बीएसएनएल को 4G में कन्वर्ट करना चाह रही है, इसलिए टेलीकॉम सेक्टर अपने पास ही रखी है, उसको प्राइवेट नहीं कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों उड़ीसा में, पंजाब में और इन दोनों राज्यों में दोस्तों यहाँ पे बीएसएनएल का 4G लॉन्च किया गया है, यहाँ पे टेस्टिंग की गई है, काफी अच्छी खासी इनको स्पीड मिली है। तो ऐसे में अगर ये चाहते हैं कि इंडिया में अगर हर जगहों पे बीएसएनएल का 4G लॉन्च करें, तो इनको दोस्तों करना पड़ेगा ये काम कि बीएसएनएल का 4G जो है लॉन्च करने के बाद इनको 3 से 6 महीने तक जियो की तरफ फ्री में देना चाहिए, तब जाकर के लोग बीएसएनएल पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उस पर एक बार फ्री में आ गया तो उसकी स्पीड क्या आ रही है, इंटरनेट का क्या है, कॉलिंग कैसे चल रही है, ये सारी चीजें लोग एक बार ट्रस्ट कर जाएंगे तो एक बार बीएसएनएल का यूजर काफी ज्यादा उछाल देखा जा सकता है। वैसे दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे बीएसएनएल के बारे में, तो बीएसएनएल का लेटेस्ट जो न्यूज आया है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों 1536 टावर लगा करके 3800 गांवों को कवर करने की कोशिश की जा रही है और ये काम बहुत जल्द होने वाला है। ये वैसे दिवाली के बाद से स्टार्ट हो गया है, मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है अपने पिछले वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद अब हरियाणा का नंबर आने वाला है। हरियाणा में दोस्तों यहाँ पे जनवरी के लास्ट में यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे भी डिसाइड नहीं किया गया कि पूरे हरियाणा सेक्टर में कितने जो है कि टावर लगाए जाएंगे बीएसएनएल 4G के। वैसे दोस्तों, कंपनी का मानना यह है कि पूरे इंडिया में 1 लाख टावर लगाने का काम करेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और भी क्लिक करना, ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।